दम बिरयानी, हैदराबादी दम बिरयानी। इसके लिए हम लोगों ने 1.5 किलो गोश्त लिया है चिकन का। उसके बाद ये गरम मसाला है, गरम मसाला में हम लोगों ने लिया है 3 तेज़ पत्ता, 1 टेबल स्पून जीरा, और हरी इलायची, छोटी इलायची 6 पीस ये 1.5 किलो के लिए, और ये है 6 काली मिर्च, उसके बाद जावित्री, फिर ये है आपका दालचीनी, और ये है चक्कर फूल, चक्कर की तरह है चक्कर, और ये है हमारा लौंग। सबसे पहले हम लोग इसको पीस लेंगे। और मसाले जो हैं इधर दिखाना, ये हमारा जिंजर गार्लिक है यानी लहसुन और अदरक का पेस्ट, और ये लेमन जूस है नींबू का, और एक प्याला जो है ये दही है। उसके बाद इसमें है लाल मिर्च, धनिया, और ये है हमारा हल्दी, और ये नमक है। अब उसके बाद जो है ये हमारा है 1 बाउल पुदीना, और ये है हमारा हरा धनिया 1 बाउल, और ये अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 जो है हरा मिर्च है। ये हमने काट लिया है, इसको बारीक कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला काम कि ये जो गरम मसाला है इसको हम लोग पीस लेंगे। अब हम लोगों ने इसको ब्लेंड कर दिया है, मिक्स कर लिया है, गरम मसाले को इसमें मिला देंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग डालेंगे इसमें लाल मिर्च, उसके बाद डालेंगे हम लोग इसमें हरा धनिया, फिर हल्दी डालेंगे, हल्दी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे ताकि बिरयानी का कलर ख़राब ना हो, कमी डालेंगे करीब करीब आधा चम्मच। उसके बाद हम लोग ये जो है अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है ये डालेंगे, फिर उसके बाद दही डालेंगे 1 कप, पुदीना डाल लेंगे इसमें, फिर उसके बाद जो है पुदीने के बाद ये हरा धनिया, एक बाउल है, थोड़ा बाउल से ज्यादा हो गया, फिर उसके बाद ये डालेंगे हरा मिर्चा, फिर हम इसमें डालेंगे नींबू का रस, फिर डालेंगे नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, उसके बाद जो है करीब आधा कप हम लोग तेल डालेंगे ताकि ये तेल में मैरिनेट हो, इसमें इतना है अप्रॉक्सीमेटली पूरा ही लग जाएगा, ये हो गया, फिर हम इसमें इसको प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे। अब हम लोगों ने इसको मैरिनेट कर लिया है प्रॉपरली, हाथ से ही किया है, हाथ से मैरिनेट अच्छा होता है। अब मैरिनेट करने के बाद जो है हम लोग इसको फ्रिज में डाल देंगे पूरा ओवरनाइट, फिर कल इसको बिरयानी को बनाएंगे। अभी आधा प्रोसेस हुआ है, मैरिनेट करेंगे रात भर। अब ये चिकन जो हम लोगों ने मैरिनेट किया है दम बिरयानी के लिए, अब ये हम लोगों ने पूरे रात भर रखा है इसको ओवरनाइट। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस भगोने में, बड़ा भगोना है ये काफ़ी,
इसमें हम इसकी लोअर जो लेवल है ना, यहाँ पे इसके बॉटम पे सारे किचन को वन बाय वन करके रख देंगे, ताकि पूरा जो है चिकन आ जाए, सॉरी किचन नहीं चिकन, ऐसे करके इस तरीके से फैला के रखेंगे। अब आप देख सकते हैं इसको हम लोगों ने पूरा एक एक जो है चिकन को बेस पे लगा दिया है, सब सिंगल लेयर है इसके, इसके ऊपर सारे जो चिकन है वो बेस को टच कर रहा है, ताकि एक एक जो है आराम से जितनी भी पीसेज हैं सब पक जाएंगी। ये हमारा खाली हो गया है। आगे आप देख सकते हैं कि हमने जो है ये लिया है बासमती राइस, बहुत प्यारी खुशबू है इसकी, बासमती राइस है ये। ये चावल आपको देख के लेना है मार्केट्स में, जितना ज़्यादा ये पीला होगा यानी कि मॉइस्चर इसके अंदर बहुत कम होगा, उतना अच्छा ये चावल होगा। फर्दर हमने इसको बॉयल करना है, अप्रॉक्सीमेटली 70% इसको बॉयल करना है, तो इसके लिए हमने पानी लगा रखा है गर्म करने के लिए। अब जब पानी ये एकदम बॉयल्ड हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग इसमें प्रोसेसिंग करेंगे, चावल को डालेंगे। अब ये वाटर एकदम बॉयल हो गया है, अब इस बॉयल्ड वाटर में हम लोग जो है डालेंगे ऑयल, तेल, अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 चम्मच। फिर हम लोग डालेंगे इसमें नमक, नमक इसलिए डाल रहे हैं कि जो हमारी बिरयानी है उस वो चावल जो है नमक को एब्जॉर्ब कर ले। तो बिरयानी के हिसाब से नमक हमने डाला है, अप्रॉक्सीमेटली अपने टेस्ट के हिसाब से, सबका अलग अलग टेस्ट हो सकता है। फिर इस पानी को हम चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे कितना इसका क्वांटिटी नमक की हुई है। ठीक है, अब उसके बाद जो ये चावल है, इस चावल को हम लोग जो है इसमें डालेंगे। इसके पहले जो है चावल को डालने से पहले हम लोग इसमें डालेंगे शाही ज़ीरा, ये शाही ज़ीरा है। फिर उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे बेलीफ यानी कि तेज़ पत्ता, प्रॉपरली चला लेंगे इसको। अब उसके बाद जो चावल हमारा है जो हमने भिगा रखा है, चावल को कम से कम जो है 1 घंटा भिगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटे भिगा लें ताकि जल्दी पक जाए। हम इसे ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे, अप्रॉक्सीमेटली 70% पकाएंगे। ये देख सकते हैं आप, चावल हमने पूरा डाल दिया है, अब इसको पकने देंगे। जब ये अप्रॉक्सीमेटली 70% पक जाएगा तो उसके बाद जो हम इसको निकाल लेंगे इस चावल को। चावल अप्रॉक्सीमेटली जो है 70% हो चुका है, ने टेस्ट भी कर लिया है। अब इस चावल को हम जो है इसे छान के इसमें जो चिकन है लेयर है इसके ऊपर चावल को फैला देंगे। पहले एक लेयर लगाएंगे पूरी चावल की, उसके बाद जो है दूसरी लेयर लगाएंगे। ये हमने चावल पे लगा दिया है पूरा जो है, नीचे हमारा चिकन है, ये चावल जो हमने बॉयल्ड किया है अप्रॉक्सीमेटली 70% दिया है। और फर्दर हम क्या करेंगे, ये प्याज को तल लिया है, ब्राउन कर लिया है प्याज को, इसको बिरयान बोलते हैं। अब इसको स्प्रेड कर देंगे। इस प्याज को तलने के लिए हम लोगों ने पहले तेल
तेल गरम करके तल लिया है। उसके बाद इसको तेल निकालने के बाद फिर हमने इसको जो है पंखे के नीचे रखा है ताकि ये करारा हो जाए। ये बहुत करारा हो गया है। अब नीचे का कलर भी बिरयानी का जो ब्राउन होगा गोश्त की वजह से, चिकन की वजह से, और ऊपर का कलर भी ब्राउन होगा और बीच में जो वाइट होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने इसमें जो है सैफरन यानी कि ज़ाफ़रान दूध में घोल रखा है। उसके बाद जो है हम इसके ऊपर डाल देंगे येलो कलर के लिए, ज़्यादा येलो कलर नहीं डालेंगे, इतना डालेंगे कि बिरयानी ख़राब ना हो। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम देसी घी लेंगे, फिर इस पे देसी घी स्प्रेड करेंगे। कम से कम 3 से 4 चम्मच ताकि ये यूनिफॉर्मली जो है इसके अंदर चला जाए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर डालेंगे हम गुलाब जल, रोज़ वाटर, इसको अप्रॉक्सीमेटली 2 चम्मच डालेंगे ये खुशबू के लिए। इससे बिरयानी की खुशबू आएगी। फर्दर हम केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं खुशबू के लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसकी पैकिंग करेंगे दम के लिए। इसको क्या किया, इसका कवर हमने जो है पहले आटे से डव से जो है सील कर लिया है कवर को। अब फर्दर जो है इसको हम यहाँ पे इसको उल्टा करके दम करने के लिए ये इस पे लगाएंगे ताकि इसके अंदर जो भी वेपर्स हो वो इसके अंदर ही रह जाए, सील कर रहे हैं वो। ये कहलाता है दम दम प्रोसेस, यानी कि जो इसके अंदर जो भाप होगी बिरयानी उससे बनेगी। फर्दर हम इसके ऊपर कुछ वेट रख देंगे, फॉर एग्जांपल इसको रखेंगे ताकि इसमें डिस्टर्बेंस ना हो। ये सील हो चुका है पूरा बढ़िया से। अब हम क्या करेंगे कि कम से कम 5 मिनट तेज आंच पे, हमने 5-7 मिनट के लिए तेज़ आंच पे किया था, अब हमने इसको सेम फ्लेम पे कर दिया है अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम दूसरा प्रोसीजर करेंगे इसकी। अब हम इसको खोल रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, ठीक है। वाह क्या खुशबू आ रही है, ठीक है चेक करेंगे इसको कैसी बनी है। ये है लेयर वाइट ऊपर जो है।